सो गुड इवनिंग गाइस, उठ चुके हैं एक बढ़िया सी नींद लेकर। बढ़िया सी क्या, हालत खराब हो गई थी भाई, बस क्या बताऊं मैं, कुछ भी नहीं खाया। इन्होंने आती तो पहले सोने से पहले लंच वगैरह मंगाया था, वही ब्रेकफास्ट और लंच, इकट्ठा ब्रंच ही हो गया था आज तो हमारा। तो इतनी तेज हेडेक हो रहा था ना मेरे, एक बाइट ली मैंने, बटर चिकन मंगाया ना, बटर चिकन ऐसा नहीं आई थी, एक बाइट लिया मैंने, मैंने भाई तो बैक आ जाएगा, वापस रख दिया और अपना सेराडोन खाई, सिर्फ एक सेराडोन और सरदर्द से आराम, खाकर सो गया मैं तो अपना आराम से। और अब उठे हम 5:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे शायद सोए थे हम, बड़ी ऐसी नींद ली, थकावट ऐसी उतर गई है, सुबह तो ऐसी हालत हो रही थी, आपने व्लॉग में देखा ही होगा, हालत ख़राब एकदम डेड। और अब ऐसे हो गए हम चार, एकदम धूप आ रही है पीछे से, तो अब निकल रहे हैं श्रीनगर, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं एक्सप्लोर करने का, थोड़ा ही टाइम है तो एक्सप्लोर कर लेते हैं श्रीनगर। तो निकल रहे अर्जुन भाई, रेडी हो गए आप तो? अर्पित ब्रो, ये एक और यूट्यूबर बेचारा परेशान है, ये झोला टांग के घूम रहा है, भर दो झोली, भर दो झोली, अब बात कर, चश्मा लगा के अब बोल, अब बेटे क्या बात है। तो ये वाला यूट्यूबर भी परेशान है हमारा, बहुत दुखी करा इन्होंने मेरे को सोते टाइम, कभी कह रहे उठ जा उठ जा उठ जा, आतंकवादी आ गए, उठ जा, ये हो गया। तो मज़ा आ गया भाई, नींद हो गई बहुत बढ़िया, नींद जो चाहिए थी ना, जो ज़रूरी थी वही वाली नींद हो गई है। ये बेचारा वेट कर रहा है कब मैं अपना फ़ोन बंद करके रखूं और मैं अपने स्टार्ट करूं, चश्मा वश्मा लगा के रेडी है। तो अभी आ रही है अपनी बोट, सीटियाँ मार दी इन्होंने, बोट आ रही है सामने से, फिर हम जाएंगे रोड के उस पार, जानो जानो शिकारा। तो भाई अब आराम से जाना, आराम से जाना, कर ले। रफीक भाई ने बोला पैसा नहीं देने का तो नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देने का भाई, यहाँ पे फुल एंजॉय करवाने वाले हमको, बिल्कुल कैसे एंजॉय है भाई, फुल एंजॉय, धक्का दे दें तेरे को पानी में, मुझे धक्का दे देगा भाई, खड़े हैं यहाँ पे रफीक भाई, यूं पकड़ के निकाल लेंगे तेरे को हाथ से, इसमें मगरमच्छ भी है उधर, मार्केट भी है, मार्केट भी तू है ना, तू घूमेगा ना अभी इस पानी में, ओए मगरमच्छ देख लेना, खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो दूसरी बात है, देख लेना, बहुत अच्छा होता है। रफीक भाई अपने दोस्त ढूंढ रहा है या मगरमच्छ ढूंढ रहा है यहाँ पर, ये मगरमच्छ कहाँ होता है, ये कौन है, ये मगरमच्छ है, लड़का है लड़की है, ये लड़की है, नहीं नहीं वो अच्छा, ये इसी को दिखा रहा है, तो भाई अपना ये न्यू शालीमार होटल नंबर वंबर दिख रहा है आपको, कभी आपका श्रीनगर आना हो तो कांटेक्ट कर लेना, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, बता दूंगा मैं आपको प्राइस, और देखो यार बढ़िया है, सही है, इतने प्राइस में इतना मिल रहा है, बहुत है। तो हमारी बोट आ चुकी है, बोट शिकारा क्या आई, यही है क्या हमारी है ब्रदर, ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ईशा बशी वशी वाशी वशी भाई, आ गई अपनी शिकारा, इसमें कर देंगे हम नवनीत का शिकार, सामने बैठी होगी, सामने नहीं इधर बैठूंगा, अबे डूब जाएंगे, क्यों मैं ना जाने का, मोंडर आ जाएगा, मोंडर आ जाने का नहीं, तो थोड़े मच्छर मिलने आए हमसे, हाँ ये हमसे हाय हेलो करने आए हैं, ओए 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 ये कहाँ जा रही है, ओ भाई हिलो मत यार, राम 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 राम, ओए ओए पैनिक मत हो ऐसे, समझे, ऐसे पैनिक नहीं होते, हर सिचुएशन का सामना करना सीखो नवनीत, आ रहे हैं व्लॉग्स, अर्जुन भाई तो शांत बैठ गए एकदम, चश्मा लगा के घूमने जाएगा, चार जने ले जाएगा ना ये अंकल, अगर हम इसमें गिर जाते हैं तो आप बचा लोगे हमें, बचाने वाला ऊपर है, अरे अंकल ऊपर वाले। तो गाइस आ चुके हैं अब हम अपनी शिकारा में, तो काफी मजा आ रहा है, 2 घंटे के लिए अब हम इसमें राइड करने वाले हैं, और की बीच बीच में स्टॉल्स भी आएंगे बोट के अंदर ही, स्नैक्स वगैरह भी मिलेंगे जैसे कि इन लोगों ने हमें बताया है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, हल्का हल्का डर भी लग रहा है, बट
भैया फुल एक्सपीरियंस है जो अपने पीछे बोट चला रहे हैं, तो शिकारा जो चला रहे हैं तो डर को भगा दिए उन्होंने, और वैसे भी डर के आगे जीते आप लोगों को पता ही है। अर्पित भाई लगे हुए हैं फोटो शूट करने में, क्या बात है। तो भाई यहां आएगी, चलते हैं, वीडियो वगैरह बना ले, तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा है नवनीत, मजा आ रहा है भाई, फुल मजा आ रहा है। चलो फोन अभी घुमा नहीं सकता मैं, ये देख घुमाओ दुड़ुम हो जाएगा फोन में, ये देखो ये बैठे हुए आराम से। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक स्टॉल ये आ गई भैया की, भैया सारा वुडन आइटम है इसमें, सब हैंडीक्राफ्ट है भैया, उसका पीना भैया, ओके भैया, उक्का उक्का रखा है भैया ने कि अगर उक्का उक्का पीना है तो है ना, पूरा गले तक भर रखा उसके पानी। गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी शिकारा में, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो भाई अभी तक सिर्फ सुना था डल लेक आओ, श्रीनगर आओ, डल लेक का मज़ा है ये शिकारा में घूमने का, तो आज एक्सपीरियंस भी ले लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी चल रहा है हमारे साथ साथ, मतलब पानी के साथ साथ हम चल रहे हैं या पानी हमारे साथ साथ चल रहा है, एक ही बात है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सही कहते हैं लोग, असली जन्नत कश्मीर में है जो कि हमें दिख रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बढ़िया एकदम। लेट जाओ वैसे है ब्रो, यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, जम्बू जेट रखा हुआ है पानी पे, पता नहीं क्या घुमा रहे पीछे पीछे। तो एक सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है यहाँ की, आप लोग अपनी शिकारा में बैठ जाओ, ओए वेव आ रही है, ओ नाइस। ये पता है वेव कैसे बनी है, ये जो अभी मोटर बोट गई है ना, वेव बना गया, वो तो चला गया, हमें छोड़ गया वेव के अंदर, गलत बात है भाई। तो मैं ये कह रहा था यहाँ सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप अपनी शिकारा में बैठ जाओ 2-2.5 घंटे के लिए, आराम से घूमो, और आपको बीच बीच में बोट्स में स्टॉल आते रहेंगे, स्नैक्स वगैरह के, आइसक्रीम के, हुक्का वगैरह पीने का मन हो हुक्का के, कोल्ड ड्रिंक के, और शॉपिंग वॉपिंग कुछ करना हो शॉपिंग कर लो, और काफ़ी अच्छा व्यू है, सब लोग घूम रहे हैं, निकल चुके हैं अपनी शिकारा पे, सनलाइट आ रही है धीरे धीरे, हो सकता है मैं भी बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, स्मार्ट तो खैर मैं हूँ ही और लग भी रहा हूँ ब्लॉग में। तो बोट ढूंढ रहे हैं वो वाली जो बारबेक्यू वाली बोट आएगी जिसमें स्नैक्स वगैरह होंगे, स्नैक्स ट्राई करेंगे क्योंकि भाई बनता है, आइसक्रीम भी है, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम घूम रही है वहाँ पर, अभी आपको पास जाके हम दिखाएंगे। खाना है नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना भैया, चिकन टिक्का वगैरह खिलाओ कोई। हाँ बोलो, यहाँ पर हर एक पिक्चर का शूटिंग भी हो गया, इसलिए कृष्ण कश्मीर, कश्मीर की कली, इसी लेक में फूल खिले, डोबरन, आरजो, रक्स स्टार, हैदर। जब नवंबर दिसंबर में जब यहाँ से बर्फ पड़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुना है, पुराने माना है, बर्फ के वजह से ये लोग पूरा फ्रीज होते हैं। अच्छा जी, इस लेक के ऊपर छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल क्रिकेट साइकिल चलाते, बर्फ जो फ्रीज हो जाती है उसके ऊपर, बर्फ के वजह से, तब हम ये शिकारा विकारा यहाँ पर नहीं चलाते हैं, हम घर बैठ के क्या काम करते हैं, वो शाल वाल हम बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बैठकर बनाते हैं, अभी वही 10-15 मिनट के बाद वो मार्केट आ जाएगा, वो गवर्नमेंट का शॉप है, 200-250 रुपये से शाल स्टार्ट है, 300 से शाल स्टार्ट है, हैंड वर्क है, 20% हर चीज़ वहाँ से डिस्काउंट भी है, 20% ऑफ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, लगे ज़्यादा है, आपका होम डिलीवरी तक पर भी आ सकता है। अच्छा जी, जो यहाँ से 300 रुपये का शाल होगा, वही शाल रोड के ऊपर 500, आप बताओगे 200 क्यों ज़्यादा।